सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्नब फैसल लिमिटेड के बारे में। तो अर्नब फैसल लिमिटेड ये स्टॉक और आप लोगों के पास है किसी भी लेवल पे है, अगर आपने हाल ही में फ्रेज बाइंग किया या फ्रेज बाइंग करने से सोच रहे हो तो प्लीज़ फ्रेज बाइंग करने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिन्होंने एकदम टॉप पर बाइंग किया, टॉप लेवल से स्टॉक दोस्तों 80% से भी ज़्यादा के क्रॉस हो चुके हैं, यानी कि जिन्होंने 10,000 भी लगाए होंगे उनके पैसे 8,000 डूब चुके, सिर्फ 2,000 बचे हैं। अगर वो चाहे तो अपना पैसा अगर निकालेंगे तो सिर्फ उनको 2,000 ही मिलेंगे, 8,000 उनके पूरी तरह से डूब चुका है। क्या उनको जिन्होंने टॉप पर बाइंग किया, क्या उनको लॉस बुकिंग करके निकल जाना चाहिए या फिर अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे हैं तो उनको इस लेवल पे एवरेज करके चलना चाहिए? और साथ साथ जिन्होंने अब तक फ्रेज बाइंग नहीं किया, क्या उनको इस लेवल पे फ्रेज, क्योंकि स्टॉक अपने टॉप लेवल से 80% के डिस्काउंट में मिल रहा है, क्या उनको इस लेवल पे फ्रेज बाय करके चलना चाहिए? अगर फ्रेज बाय करके चलना चाहिए तो कितना अमाउंट फ्रेज बाय करके चलना चाहिए और कितने टाइम में कितने रिटर्न मिल सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी की पॉइंट दोस्तों हमारे लिए नहीं, सबके लिए है रिवॉर्ड। आपको पता है कि रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं होना चाहिए हम किसी स्टॉक में बाय करके तो रख दिए बट हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो सबसे बड़ी पॉइंट है कि अगर इस स्टॉक पर फ्रेज बाय करके चलना चाहिए तो कितना अमाउंट बाय करके चलना चाहिए और कितने टाइम में कितने रिटर्न मिल सकता है, सारी चीज़ें मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा। और जिन्होंने बॉटम पर बाय किया टॉप पर, क्या उनको इस लेवल पर एवरेज करके चलना चाहिए, सारी चीज़ें मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा। सो दोस्तों, आप देख पाओगे आज के दिन बाजार में जिस हिसाब से मोमेंटम हमें देखने को मिला, सेम चीज़ें इसी स्टॉक में भी हमें ऐसा ही मोमेंटम देखने को मिला। देन एक साल बाद उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पहले उनको अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे थे, अभी प्रॉफिट जाने के बाद उनके पैसे बुरी तरह से 40% क्रैश हो चुका है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जिन्होंने बॉटम पे बाय किया, एकदम टॉप पे 200 के आसपास जिन्होंने टॉप बनाए थे, जिन्होंने 200 पे बाय किया, उनके कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया 80% क्रैश हो चुका है, यानी कि जिन्होंने 10,000 भी लगाए होंगे उनके पैसे 8,000 डूब चुके, सिर्फ 2,000 बचे हैं। तो मैं इतने कहना चाहूँगा, आपने बॉटम पे बाय किया तो आपको 1 भी शेयर लॉस में गलती से भी नहीं बेच रहे हैं, और क्यों आपको लॉस में नहीं बेच रहे हैं सारी चीज़ें मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले कुछ डेटा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये आप देख पाएंगे, ये चीज़ें देखना आना चाहिए दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ऐसी चीज़ें देखते नहीं है, वो सिर्फ शेयर प्राइस से मतलब रखते हैं, कौन से स्टॉक कितने भाग रहे हैं, वो जैसे भागने लगते हैं बॉटम तक वो देखते हैं, उनको कोशिश तो बहुत अच्छे लेवल से वो बाय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है जब स्टॉक भागने लगता है तो लॉट मिलते नहीं हमें, अब जैसे पेनी स्टॉक वाले पे तो हमें लॉट मिलते नहीं है, जैसे वो लॉट मिलते हैं एकदम बॉटम पे मिलते हैं तब सारे माल डंप कर दीजिए तो और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर वो फंस जाते हैं। आपको ऐसे कैटेगरी में नहीं आना, तब आपको ये चीज़ें देखना आना चाहिए। तो आप देख पाएंगे इस बार के नंबर दोस्तों यही आपको बताएगा, ये स्टॉक जो 80% क्रैश हुआ अर्नब फैसल लिमिटेड, क्या दोबारा से कमबैक कर पाएगा, जो 200 के लेवल थे उसको तोड़ के एक न्यू हाई बना पाएगा, ये स्टॉक 300 रुपये तक जा सकता है, सारी चीज़ें यहाँ से पता चलेगा। तो मार्च तो आप देख पाओगे ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस कंपनी की जो सेल्स है वो बहुत ही शानदार है। ओपनिंग प्रॉफिट आप देख पाओगे 100 करोड़ का हो चुका है, लगभग 100 करोड़ के आसपास, 1,21,00,000 का हो चुका है दोस्तों, 1,33,00,000। तो ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस कंपनी के सेल्स और कंपनी के प्रॉफिट वो भी बहुत ही शानदार है। जिस हिसाब से कंपनी की साइज है, सिर्फ 60 करोड़ की मार्केट कैप है, 600 नहीं दोस्तों 60 करोड़ की मार्केट कैप है। तो जिस हिसाब से कंपनी की साइज है उस हिसाब से कंपनी की जो बिजनेस में ग्रोथ है वो हम बोल सकते हैं कोई खराब नहीं है, अच्छे ही है। जरा PNL देख पा रहा हूँ दोस्तों, PNL तो कुछ रिटेल इन्वेस्टर को पता भी नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि वो सिर्फ शेयर प्राइस से मतलब रखता है। तो आपको ऐसे कैटेगरी में नहीं आना, अगर आपको लॉन्ग टाइम में खेलना है और अच्छे खासे रिटर्न कमाना है तो ये चीज़ आपको देखना आना चाहिए। PNL है दोस्तों साल बाद साल की ग्रोथ, तो हम 2015 से देखेंगे, पहले कंपनी कमाते सिर्फ 23 लाख, आप देख पा रहे होंगे 48 लाख, बीच में कोविड की वजह से थोड़ा सा डाउन हमें देखने को मिला, फिर अच्छे खासा कमबैक। सेम चीज़ें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 4 करोड़ को भी तोड़ चुका है। तो कंपनी के जिस हिसाब से साइज है, कंपनी के ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस बिजनेस में बहुत ही शानदार तरीके से हमें ग्रोथ देखने को मिला है। अगेन मैं कह रहा हूँ, कंपनी के जिस हिसाब से साइज है, 60 करोड़ के मार्केट के हिसाब से कंपनी की जो साइज है उस हिसाब से कंपनी के बिजनेस बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के मैक्सिमम गैप, तो मैक्सिमम गैप मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे वैसे पेनी स्टॉक नहीं, पेनी स्टॉक हर टाइप के होते, क्या पहले 1,000 के थे वो बुरी तरह से बर्बाद हो चुके, अब जाके वो 40 रुपीज पर आ चुका है, 5 रुपये में आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से स्टार्टिंग से ऐसे थे। ग्राफ भी आप देख पाओगे ये ऑल टाइम ग्राफ है इसकी, 12 रुपये में स्टार्टिंग हुए थे अच्छे खासे ग्रोथ, और 2018 से तो 4 साल हुए, 4 साल में एक स्टेबल रिटर्न अभी भी दे रहा है। ये रिटर्न दोस्तों स्टेबल ही है और इतना ही होना चाहिए था। स्टॉक को बहुत ही ज़्यादा ऑपरेट किए गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेट किए गए, आप देख पाओगे सर्किट में, ये स्टॉक ट्रेडिंग में चलने वाले थे, स्टॉक को सर्किट में लेके गए। और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं आपको पता है जिन स्टॉक में तेजी आएगा वो बिना सोचे समझे यहाँ पे जम कर लेंगे, और लॉट उनको ऐसे टाइम पे मिला एकदम 200 रुपये के लेवल पे टॉप पे वो बुरी तरह से फंस चुका। तो जिन्होंने बॉटम पे बाय किया, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपने टॉप पे बाय किया तो बहुत ज़्यादा निवेश कर चुके ऐसे स्टॉक। तो मैं बार बार आगे जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं ऐसे स्टॉक में तो बहुत ज़्यादा निवेश करेंगे नहीं, क्योंकि मैं खुद सिखाई देता हूँ ऐसे स्टॉक में जाना है लॉजिक के साथ, ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसे किसी भी पेनी स्टॉक में जाना है, पेनी स्टॉक में जाना है चलो आप निवेश करो लेकिन लॉजिक के साथ होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको
थोड़ा सा निवेश करना चाहिए, रद्दी वाले स्टॉक, मतलब 1,000-2,000 लगा के आप चलोगे तो आपके पैसे मल्टीपल भी हो जाएगा, और अगर आधा भी हो जाए तो आपको फर्क न पड़े आपके पोर्टफोलियो में। तो जिन्होंने बॉटम पे बाय किया उनको और एक्यूमुलेट नहीं करने, अगर आपके एक्यूमुलेट करने के लिए आपके पास पैसे है, ध्यान से सुनने, एक्यूमुलेट करने के लिए अगर आप पैसे पर डेली बेसिस में अच्छे खासे स्टॉक आप लोगों के पास लेके आते हो सिखाने के लिए, आप उसमें बिंदा स्टडी करके आप जाओगे तो ईजिली आप रिटर्न कमा लोगे। एक ही स्टॉक में, ऐसे स्टॉक में सारे पैसे लगाना आपके लिए बहुत ही रिस्की साबित हो सकता है। ये हो गया दोस्तों उनके लिए जिनके पास है लेकिन लॉस में गलती से भी नहीं बेच रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक फ्रेश बाय नहीं किया 80% के डिस्काउंट में आप बिंदास बाय करके आप चल सकते हो, लेकिन खुद से एक बार स्टडी करना, मैं सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ, खुद से स्टडी करने के बाद सीखने के लिए जाना है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 43,000 आप लगा लो सीखने के लिए, अगर आपके 1-2 लाख के पोर्टफोलियो में तो आप जितना रिस्क लेना चाहते हो कल को आधा भी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े, अगर स्टॉक मल्टीबैगर बन जाए 2-3 गुना तो आपके अच्छे खासे प्रॉफिट बन जाए, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें अगर आप 2 लाख के पोर्टफोलियो में जितना आप रिस्क लेना चाहते हो आप 50 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी लेकर आप चलोगे, यानी कि 2,000-4,000 लेकर आप लगाओगे, थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपके पास इजीली 2-3 गुना आराम से हो जाएगा। लेकिन आपको लालच में नहीं आना है और ज़्यादा पैसा गलती से भी नहीं लगाना है, उतना लगाना है कल को आधा भी हो जाए या 0 भी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े, लेकिन लॉजिक के साथ जाओगे तो रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा और नुकसान होने के चांसेस कम। सोचते तो वीडियो देखते हैं, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये स्टॉक अगर आप देख पाओगे, ये जो लेवल है दोस्तों 43 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, 43 रुपीज़ को यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो इस लेवल के अगर ब्रेक कर दे दोस्तों तो नो डाउट अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिले, उसके बाद 80 रुपीज़ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 80 रुपीज़ को ब्रेक कर दे दोस्तों नो डाउट 125 से लेकर 150 तक आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन लालच भी नहीं आ रहा, और यहाँ पर जिन्होंने बॉटम पे बाय किया मुझे ऐसा लगता है मेरे स्टडी के हिसाब से आपको लॉस बुकिंग करके तो निकालना नहीं चाहिए, कि अगर आप लॉस बुकिंग करके निकालोगे अगर आप यहाँ पे बाय किया तो आपको कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, 10,000 भी आपने लगाया होगा तो आपको सिर्फ 2,000 ही मिलेगा इस टाइम पे, 80% क्रैश होगा। तो मैं इतना कहना चाहूँगा आप प्लीज़ लॉस में ना बेचे, जिनको फ्रेश बाय कर लें खुद से स्टडी कर लें, उसके बाद सीखने के लिए 1,000-2,000 लगा आप चलोगे तो आपके पास इजीली मल्टीपल का जरूर बन सकता है। सो दोस्तों वीडियो देखने को डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो में कोई पढ़ना चला लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दोस्तों मिलते ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।